हिसार के ढाणी घारण में हुई हत्या की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें कि 4 नवंबर को जिले सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को काबू कर लिया है। इस मामले में सामने आया है कि एक हत्या का बदला लेने के लिए इस व्यक्ति की हत्या की गई थी। आपको यहां बता दें कि जिले सिंह की हत्या का मामला पिछले 5 दिनों से हिसार में गरमाया हुआ है और परिजनों ने अब तक मृतक के शव को उठाया नहीं है। हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर परिजन सिविल अस्पताल में ही धरने दे रहे हैं। इस संबंध में बरवाला के डीएसपी रोहतास सिंह ने बताया कि 4 नवंबर को ढाणी गारण में जिले सिंह नामक व्यक्ति की 3 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जिले सिंह के पुत्र श्याम सुंदर की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया था। 16 मई को शिव कॉलोनी में वजीर के बेटे सुंदर के साथ ईश्वर नामक व्यक्ति के परिवार की ट्रैक्टर हटाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी कहासुनी में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और शिव कॉलोनी निवासी सुंदर की हत्या कर दी गई। ईश्वर, सुंदर, सुनील व प्रदीप पर इस हत्या का आरोप लगा है। इसी मामले में बदले की कार्यवाही के चलते मृतक सुंदर पक्ष के वजीर रामवीर, दिलबाग व जयवीर ने 30 अक्टूबर को भी सुंदर की हत्या के आरोपी ईश्वर के बेटे सुनील को गोली मारी थी, जिसमें वो घायल हो गया था। अब इन्हीं पर जिले सिंह की हत्या का आरोप है। इनमें से आज पुलिस ने शिव कॉलोनी निवासी रामवीर, पेटवाड़ हाल शिव कॉलोनी मिल गेट निवासी सोनू व वलंभा रोहतक निवासी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे थाना बरवाला के अंदर दिनांक 4/11 को श्याम सुंदर सन ऑफ जिले सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया था कि उसके पिताजी जो गांव में किराना की दुकान करते थे वहां पर बैठे हुए थे। समय करीब 7 बजे 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और आने के बाद उसके पिताजी को गोलियां मारी गई। उन्होंने बताया कि उनके नाम बास निवासी जयवीर, मंजीत व सोनू और उनके परिवार ने हमसवीरा होकर जिनमें सुंदर, रामवीर, रघुवीर, जयवीर, मंजीत व सोनू ने योजनाबद्ध तरीके से उसके पिताजी को गोलियां मारी, जिसका इलाज बरवाड़ा हॉस्पिटल में चला, जो दौरान इलाज जिले सिंह की मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस ने थाना बरवाड़ा में अभियोग दर्ज अंडर सेक्शन 302, 120B IPC का दर्ज किया गया। उसके बाद हमारे प्रवर पुलिस अधीक्षक श्री बलवान सिंह राणा जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने जिले में आरोपियों को पकड़ने के लिए जल्दी से जल्दी काबू करने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया, जिन टीमों के बरसक प्रयत्न करने पर शिव कॉलोनी निवासी रामवीर, पेटवाड़ निवासी सोनू व बलंबा निवासी अनिल को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, जो कि इस दौरान हमारी 10 टीमों ने संयुक्त रूप से काफ़ी प्रयास किए, लेकिन प्रयासों के बाद हमारी टीमों ने इन तीनों को आज धानसु व मिलगेट हिसार से गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 16/5/2020 को शिव कॉलोनी निवासी वजीर के बेटे सुंदर के साथ ईश्वर के परिवार की ट्रैक्टर को लेकर झगड़ा हो गया था। उस दौरान उस तकरार में शिव कॉलोनी निवासी सुंदर की मृत्यु हो गई थी। उस समय से ही दोनों परिवारों की रंजिश चल रही थी, क्योंकि ईश्वर का लड़का
श्याम सुंदर न जिले सिंह का लड़का श्याम सुंदर शिव कॉलोनी हिसार में शादीशुदा था। एक उसका भाई 302 में अंदर बंद है। इसी रंजिश को रखते हुए दिनांक 4/11/20 को ढाणी गार्ड में प्रदीप के पिता जिले सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें मुख्य षड्यंत्रकारी आरोपी शिव कॉलोनी निवासी रामवीर, बड़म्भा रोहतक निवासी अनिल व पेटवाड़ निवासी सोनू को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और हमारी शिफ्ट टीमें अपने अपने प्रयासरत में लगी हुई हैं ताकि जल्दी से जल्दी अन्य मुजरम भी सलाखों के पहुंचाए जा सकें। जिनको आज जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको कल पेश अदालत किया जा करके आगामी तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। परिजनों ने अभी शव नहीं उठाया, इसको लेकर क्या अभी कोई बातचीत यहाँ पर मीटिंग? परिजनों ने शव नहीं उठाया, इस संबंध में हमारी अन्य कोई बातचीत नहीं हुई है। पुलिस अपना प्रयास मुलजमों को गिरफ्तार करने पर लगी हुई है। कोई असला वगैरह भी मिला है क्या इनसे? इनसे असला वगैरह नहीं मिला है, क्योंकि ये रामवीर अनिल व सोनू ये षड्यंत्र रचने के अंदर शामिल थे और इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ के दौरान यदि अन्य कोई बातें सामने आई असला वगैरह की तो वो भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोलियां चलाने वाले कौन थे? गोलियां चलाने वाले इनसे अच्छी तरह पूछताछ की जाएगी। अभी जो पूछताछ में जो सामने आया है उसमें गोलियां चलाने वाले वजीर जयवीर मंजीत व वजीर वगैरह शामिल बता रहे। तीनों आरोपियों का आपस में रिलेशन क्या है, ब्रदर है, दोस्त है? तीनों रिलेशन में अपने पारिवारिक हिसाब में भाई व भतीजा लगते हैं। चाचा भतीजा है? चाचा रामवीर? चाचा नहीं, जगत जयवीर चाचा लगता है। हाँ, सोनू और वजीर उसके भतीजे और इनका संयुक्त परिवार यही शिव कॉलोनी में रहता है। चारों भाई संयुक्त परिवार? क्रिमिनल बैकग्राउंड तो ये क्रिमिनल ही इनके अन्य जो एक्साइज वगैरह के पत्ते दर्ज हैं वैसे भी कर 307 में अंदर बंद थे, ये 307 में बंद थे और ये अपनी बेल करवा के अभी वापिस आए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.